आसान नहीं होगा प्रिगोजिन का बचना, शायद ही माफी देंगे पुतिन। गद्दारी पर माफी नहीं देते हैं व्लादिमीर पुतिन। एक इंटरव्यू में पुतिन ने यह बात कही थी। तो देखिए, जिस बात का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि आखिर अब प्रिगोजिन का फ्यूचर क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, क्या पुतिन उन्हें माफ कर सकते हैं? अगर इस इंटरव्यू पर गौर किया जाए तो पुतिन ने अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर किए थे ऐसे गद्दारों के लिए और कहा था कि वो गद्दारों को माफी नहीं देते। तो आइए अब आपको एक पुराने इंटरव्यू की वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें पुतिन साफ कह रहे हैं कि वो गद्दारी के लिए माफी नहीं देते। जो इस वक्त घटनाक्रम सामने आया है उसके चलते ये बयान बहुत अहम हो जाता है। सवाल क्या पूछा गया था, क्या आप माफी देते हैं? पुतिन ने कहा हां, लेकिन सभी को नहीं, ये कहा गया। फिर पूछा गया ऐसा क्या है जिसमें माफी संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है? पुतिन का जवाब था गद्दारी, और प्रिगोजिन पर गद्दारी करने का ही आरोप लगाया पुतिन ने जब बगावत सामने आई। बड़ा सवाल, क्या प्रिगोजिन को बेलारूस भेजना सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? क्या पुतिन आखिरकार वैगनर चीफ को खत्म कर देंगे? यह सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है। क्या प्रिगोजिन को गद्दारी की सजा मिलनी अब तय है? उनके भविष्य पर बड़ा खतरा मंडरा नहीं रहा है क्या? प्रोफेसर राजन कुमार, पुतिन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं, पुतिन के जो पुराने बयानात हैं, उसमें गद्दारों को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति तो बिल्कुल साफ नजर आती है। ऐसे में प्रिगोजिन का अंजाम अब क्या होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर मैं रूस की पर्सपेक्टिव से बताऊं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है समझना यहाँ पे, तो ये वहाँ के रूस के लोग प्रिगोजिन को गद्दार नहीं मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि दो राष्ट्रभक्तों में जो सही पॉलिसी है वो कौन लाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे पुतिन को राष्ट्रभक्त मानते हैं, पुतिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो प्रिगोजिन को भी एक राष्ट्रभक्त के रूप में देख रहे हैं। तो कौन ज़्यादा राष्ट्रभक्त है और चूंकि पुतिन जो सवाल, लेकिन रूस में तो होगा वही ना राजन कुमार साहब, जो पुतिन चाहेंगे। युद्ध लड़ना है यूक्रेन से, इसके भी समर्थन में बहुत सारे लोग रशिया में नहीं थे, फिर भी युद्ध हुआ ना। समीर, अभी ये मुश्किल है। मुश्किल पहले क्या था कि जो यूकोस के जो हेड को या दूसरे जो ओलिगार को पुतिन जिस ढंग से टेररिस्ट करार देते थे या उनको बंद कर देते थे, वो इनके लिए मुश्किल है। प्रिगोजिन अच्छा। को नहीं कर सकते, क्योंकि जो पांच सबसे इंपॉर्टेंट लीडर पब्लिक फिगर आज के समय में रूस है, उसमें प्रिगोजिन एक है, और प्रिगोजिन की पॉपुलैरिटी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से ज्यादा है, और तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। उनसे पैसा भी है, आर्मी भी है, पब्लिक सपोर्ट भी है, तो इतना आसान नहीं होगा पुतिन को प्रिगोजिन को बंद करना।